गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ वाले बच्चे, सिद्ध हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा लेसन चल रहा है लहासा की ओर, तो ये लहासा की ओर ये जो लेसन हमारा है, ये जो पार्ट है, उसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे उसका परिचय, हमने यहाँ पे जो साहित्यकार है, साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जिनका नाम है, उनका परिचय हमने प्राप्त किया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी उनके जो साहित्य को लेकर कुछ एक बातें हैं उसका परिचय हम देख लेते हैं। मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। अर्थात मैंने आपको बताया ना कि जो कोई साहित्यकार होता है वो घुमक्कड़ी शब्द इसमें आया था, तो घुमक्कड़ी का मतलब होता है कि यात्रा करना। तो राहुल सांकृत्यायन भी बच्चों एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगहों स्थानों पे जाकर उन्होंने यात्राएं की और उसके साहित्य के माध्यम से हमें उनका परिचय करवाया। अब यहाँ पर ये जो पाठ है बच्चों, ये पाठ का सारांश दिया गया है, थोड़ी सी हम ये पाठ के सारांश की चर्चा कर लेते हैं। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अब बच्चों, यहाँ पे पाठ का सारांश कुछ ऐसा है कि ये जो साहित्यकार है, जो लेखक है राहुल सांकृत्यायन, वो कहाँ गए थे? तिब्बत। अब उस समय तिब्बत की यात्रा करना, वो भी तिब्बत जाना हो तो नेपाल होकर जाना पड़ता है, तो कौन से साल में गए ये आपको याद रखना है बच्चों। हो सके तो एक एक वाक्य के एक एक मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि कौन से साल में उन्होंने, राहुल सांकृत्यायन ने, नेपाल के रास्ते से वो तिब्बत गए थे। तो 1929 और 30, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस साल में वो तिब्बत जाने के लिए नेपाल के रास्ते जाया जाता है। अब उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की बिल्कुल यहाँ पे आज्ञा नहीं थी, परवानगी नहीं मिलती थी तिब्बत जाने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, छद्म भिक्षुक यानी जो भिखारी होते हैं उसका वेश धारण करके वो कहाँ जाते हैं, ये तिब्बत की यात्रा करने के लिए। तो ये जो साहित्यकार है, लेखक है, ये लेखक ने भी यहाँ पे भिक्षुक का वेश धारण किया और नेपाल के रास्ते से होकर वो तिब्बत पहुँच जाते हैं। और तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा, ये वाक्य के नीचे, एक तो दो वाक्य के नीचे आपको ये अंडरलाइन करनी है। सबसे पहले 1929 और 30 में वो नेपाल के रास्ते से कहाँ गए? तिब्बत। और दूसरा कि उन्होंने कौन सा वेश धारण किया था यहाँ पे? भिखमंगे अर्थात भिक्षुक का उन्होंने वेश धारण किया था। और इसके साथ साथ यहाँ पे तिब्बत की राजधानी है, वो तिब्बत की राजधानी के नाम भी यहाँ पे दिया गया है ल्हासा। तो ये जो तीन वाक्य हैं, ये तीन वाक्य के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तो ये जो उनकी यात्रा थी, ये यात्रा करते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे रास्ते में बहुत कठिनाई, उनको बहुत सारे ऐसे इंसानों का भी परिचय हुआ जो वहाँ पे चोरी करते थे, लोगों को वहाँ पे जीने के लिए कोई काम धंधा नहीं मिलता था, और जो यात्री आते थे उनको वो मार देते थे, उनकी हत्या कर देते थे, और उनके पास जो मिलता था उससे वो अपना गुजारा करते थे। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान ऐसे बहुत सारे अनगिने व्यक्तियों के साथ भी उनकी भेंट मुलाकात होती है, उसका वर्णन भी उन्होंने अपने इस यहाँ पे इस पाठ में किया है। ये जो पाठ है इसका साहित्य प्रकार है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यात्रा वृतांत। अर्थात ये जो पाठ है बच्चों, तो स्पष्ट रूप से ये यात्रा वृतांत साहित्य प्रकार है इसका। आपको याद ना रहे तो पेंसिल से लिख लीजिएगा कि ल्हासा की ओर पाठ का ये जो साहित्य प्रकार है वो यात्रा वृतांत है। इसमें पूरे पाठ में यहाँ पे यात्राओं के बारे में बताया गया है, यात्रा किस प्रकार से उन्होंने की है, यात्रा करते समय उनको कौन कौन सी परेशानी झेलनी पड़ी उसके बारे में है। अब बच्चों, यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रुकते हैं। आने वाले वीडियो में ये जो पाठ हमारा है ल्हासा की ओर, ठीक है, जिसमें यहाँ पे नेपाल, तिब्बत, तिब्बती समाज, वहाँ के जो इंसान है उनके रहने की स्थिति, उनका परिचय यहाँ पे इस पाठ में उन्होंने करवाया है,
किस प्रकार से जो सैन्य होते हैं, तिब्बती के जो सैन्य होते हैं, नेपाल के सैन्य, हिंदुस्तान के सैन्य, उसके बारे में भी बात की गई है। और लोगों की स्थिति किस प्रकार से यहाँ पे होती है, औरतें किस प्रकार से रहती है, लोग किस प्रकार से रहते हैं, वो भी बात यहाँ पे बताई गई है। लोग जो होते हैं किस प्रकार से चाय बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो भी बात है। तो बच्चों, हम आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट की हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।